नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप धर्मेंद्र प्रियदर्शी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा, ऑर्बिटर के जरिए चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चला, वैज्ञानिक लैंडर से संपर्क की कोशिश में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता ने युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, केंद्र सरकार के पिछले 100 दिनों के दौरान राष्ट्र हित में लिए गए फैसलों से भारत विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही लगाया जा रहा है जुर्माना। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा है कि ऑर्बिटर के जरिए चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चला है। उन्होंने कहा कि ऑर्बिटर ने लैंडर की थर्मल तस्वीरें भेजी हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह का संपर्क नहीं हुआ है। श्री सिवन ने कहा कि वैज्ञानिक लैंडर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही संपर्क स्थापित कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि शनिवार तड़के चंद्रयान 2 मिशन के दौरान आखिरी वक्त में लैंडर विक्रम से इसरो का संपर्क टूट गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता ने हजारों युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत की है, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने जानी मानी हस्तियों के ट्वीट संदेश पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि कठिन परिश्रम और कार्य के प्रति समर्पण की बदौलत इसरो ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महारत हासिल की है। श्री मोदी ने कहा कि यह भविष्य में भी नई सफलताओं के मानदंड कायम करता रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसरो और चैंपियन खिलाड़ियों के जीवन में विफलता जैसी कोई चीज नहीं होती और वे अपने हर अनुभव से सीखते हैं। इधर अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के भारत के प्रयास की सराहना की है। नासा ने कहा कि इस मिशन से उसे प्रेरणा मिली है और भविष्य में वह इसरो के साथ मिलकर सौर प्रणाली के अन्वेषण के लिए उत्सुक है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 100 दिनों में जम्मू कश्मीर और आर्थिक मामलों सहित अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। श्री जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इससे पहले किसी भी सरकार ने इतने कम समय में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिए थे। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में, जिसे दुनिया भर में मोदी 2.0 कहते हैं, उस कार्यकाल के 100 दिन के समय पूरा हुआ और आज तक किसी भी सरकार में, सरकार बनते ही 100 दिन में इतने महत्वपूर्ण और इतने सभी निर्णय शायद ही कभी हुए होंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में पुनर्गठित करने के भारत सरकार के फैसले को G7 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विश्व के अनेक नेताओं ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 100 दिनों के दौरान राष्ट्र हित में लिए गए फैसलों से भारत विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है। तेजी से देश हित के निर्णय, तैयारी से जबरदस्त निर्णय, तरक्की के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, सामाजिक न्याय के निर्णय, गरीब मजदूर किसान दलित आदिवासी इनको सक्षम बनाने के निर्णय, इन्हीं सभी वर्गों को सुरक्षा कवच देने वाले निर्णय, सारे सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता लाने वाले निर्णय, जनभागीदारी के निर्णय, विश्व में साख बढ़ाने वाले निर्णय और सहृदयता का परिचय देने वाले अनेक निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। सूचना प्रसारण मंत्री ने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया कि भारत 2025 तक 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय, उनके माध्यम से ऋणों का विस्तार और 10 खरब रुपये से अधिक की ढांचागत परियोजनाओं को अंतिम रूप देना आदि कुछ ऐसे निर्णय हैं जो देश को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने की ओर ले जाएंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सभी के लिए आवास, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, किसानों की आमदनी दोगुनी करना, उज्ज्वला योजना और 3 तलाक को गैर कानूनी करार देना इस सरकार के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के सभी 6 करोड़ 37 लाख किसानों के लिए लागू होगी।
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नए मोटर वाहन अधिनियम में अधिक जुर्माने के प्रावधान का उद्देश्य लोगों में यातायात नियमों के पालन की आदत विकसित करना है। श्री गडकरी ने कल नागपुर में कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही जुर्माना लगाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोग सड़क सुरक्षा के नियमों को गंभीरता से नहीं लेते और कुछ रकम देकर बच निकलने के आदि हो गए हैं। श्री गडकरी ने कहा कि यह रवैया समाप्त करने के लिए कड़े नियम बनाना जरूरी था। पटना प्रमंडल के आयुक्त आनंद किशोर ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे की निजी गाड़ी को जांच के लिए नहीं रोकने पर दो यातायात पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। इधर सड़कों पर वाहन जांच के दौरान सांसद रामकृपाल यादव के बेटे से भी मोटर वाहन कानून के उल्लंघन में जुर्माना वसूल किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। जाने माने वकील और राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी का आज सुबह नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे और कुछ दिनों से बीमार थे। राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत प्रदेश के कई नेताओं ने भी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की है। राज्य के डेंटल कॉलेजों में खाली सीटों में नामांकन के लिए सेकेंड राउंड की मॉपअप काउंसिलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख कल तक बढ़ा दी गई है। मेधा सूची का प्रकाशन 10 सितंबर को किया जाएगा, वहीं ऑफलाइन काउंसिलिंग 12 सितंबर को होगी। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए नीट यूजी का कट ऑफ भी 10% कम कर दिया है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट के लिए आवेदन की तारीख घोषित कर दी है। इच्छुक अभ्यर्थी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट परीक्षा के लिए कल से 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा का प्रवेश पत्र 9 नवंबर को जारी किया जाएगा। देश भर के 91 शहरों में 2 से 6 दिसंबर तक नेट की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बताया है कि पटना समेत राज्य के 6 जिलों में 168 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की 7 योजनाओं को जल्द ही पूरा किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि इसके तहत पटना, दरभंगा, गया, औरंगाबाद, वैशाली और जहानाबाद में 76 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं को 6 से 18 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रारंभिक परीक्षा 2019-20 और राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तारीख 16 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT के संयुक्त निदेशक प्रशासन अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि विभिन्न जिलों में निबंधन में आ रही परेशानी को देखते हुए आवेदन की तारीख बढ़ाई गई है। समस्तीपुर के मंडल रेल प्रबंधक अशोक महेश्वरी ने कहा है कि समस्तीपुर जंक्शन के प्लेटफार्म संख्या 6 और 7 पर जल्द ही यात्रियों को एस्केलेटर की सुविधा मिलने लगेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद राधामोहन सिंह ने आज मोतिहारी के छतौनी थाना क्षेत्र में सांसद निधि से लगाए गए CCTV कैमरे का उद्घाटन किया। सारण के सिविल सर्जन डॉक्टर माधवेश्वर झा ने कहा है कि पटना हाईकोर्ट के आदेश पर जिले में अवैध रूप से चल रहे 71 जांच केंद्रों, लेबोरेटरी और कलेक्शन सेंटर को सील कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के पिलखी चौर स्थित एक शराब माफिया के ठिकाने पर छापेमारी कर पुलिस ने 166 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक पिस्तौल और 100 से अधिक कारतूस बरामद किए हैं। शेखपुरा के जिला कृषि पदाधिकारी लालवचन राम ने बताया है कि सुखाड़ से प्रभावित जिले के सभी प्रखंड के किसानों को वैकल्पिक फसल की खेती के लिए कुर्थी और मक्का का बीज उपलब्ध करा दिया गया है। बेगूसराय जिले के मटिहानी स्थित रामदीरी से पुलिस ने कुख्यात अपराधी विवेक कुमार को उसके 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। भाजपा सांसद रवि किशन ने आज मुजफ्फरपुर में कहा कि बिहार में भोजपुरी फिल्म को उद्योग के रूप में अपनाने की घोषणा से भोजपुरी फिल्म को बहुत लाभ मिलेगा। अररिया के जिलाधिकारी वैद्यनाथ यादव और पुलिस अधीक्षक धूरत सायली ने आज संयुक्त रूप से मुहर्रम के अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक की। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस ने जनसेवा एक्सप्रेस ट्रेन में छापेमारी कर 5 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो के प्रमुख के सिवन ने कहा ऑर्बिटर के जरिए चांद की सतह पर विक्रम लैंडर की लोकेशन का पता चला, वैज्ञानिक लैंडर से संपर्क की कोशिश में जुटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की सफलता ने युवाओं में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा केंद्र सरकार के पिछले 100 दिनों के दौरान राष्ट्रहित में लिए गए फैसलों से भारत विश्व पटल पर एक सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा मोटर वाहन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ही लगाया जा रहा है जुर्माना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।